अस्सलामुअलैकुम किचन विद फरिया बलोच के साथ मैं हूँ यूट्यूबर फरिया बलोच। तो जो लोग नए हैं चैनल पर, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल सके। तो इससे पहले जो है अभी जो मैं बोल रही हूँ बात करूँगी, इससे पहले हम आपको दिखा रहे होंगे मेरी जो ईद ड्रेसेस हैं, आप लोग उनको देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसे लगे, पसंद आए। माशाल्लाह ज़रूर कहना है सबने, और जिसे पसंद आए वो ये दे दीजिएगा और जिसे ना पसंद आए वो ये ज़रूर दे के जाइएगा। बहुत खुशी होती है मुझे जब ये देते हैं आप लोग। तो अच्छा, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अपना बहुत प्यारा सा चांद रात का रूटीन, जो हम लोग चांद रात पे पूरी फैमिली मिलके करती है, बड़ा मज़ा आता है, हर कोई कर रहा होता है अपने घर में, तो सबको शेयर करना चाहिए। और मैं शेयर कर रही हूँ तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। सारी फैमिली मिलकर काम करती है, बहुत अच्छा लगता है। इन एडवांस सबको ईद मुबारक मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को एंड मेरे अदर व्यूवर्स जो भी मुझे देख रहे होते हैं जहाँ से भी, सबको तहे दिल से ईद मुबारक। तो चलते हैं शुरू करते हैं अपना व्लॉग। ये देखें चांद रात पे क्या हो रहा है, मैं यहाँ कह रही हूँ कि हम चांद रात पे काम करने वाले हैं। ये देखें क्या हो रहा है, वो देखें वो क्या कर रहा है वहाँ बैठा हुआ। ये रियल हो रहा है। वो देखें उधर, अभी गनी के कपड़े आयरन करने के लिए रखे हुए हैं और गनी क्या कर रहा है ये देखते हैं। ये देखें गनी ये कर रहे हैं, गनी को मैंने कहा था कि तुम अपने कपड़े आयरन करना स्टार्ट कर दो, ये खेलने में लगा हुआ है। ये देखें यहाँ पर जो है बन रहा है शीर खुरमा। कल है हमारे पास भी दावत, थोड़े थोड़े कोई गेस्ट आएंगे हमारे पास और मेरे हस्बैंड बनाते हैं हमारे घर शीर खुरमा, जो तीत की ट्रेडिशनल डिश है वो तो लाजमी बनती है। पाइनएप्पल खीर देखें अभी तक मैंने रखा हुआ है पाइनएप्पल खीर, क्योंकि इसके बाद अभी मैंने कोई रेसिपी बनाई नहीं मीठा। पाइनएप्पल खीर भी बनेगी मेरे पास, गुलाब जामुन बनाएंगे हम जो आपको दिखाएंगे हम ईद पर। तो भाई क्या हो रहा है, शीर खुरमा बन रहा है। कितना बना रहे हैं, 1 लीटर 1.5 लीटर 1 लीटर से बन रहा है अभी तो फ़िलहाल हमारे पास। गर्मी बहुत है तो हम 1 लीटर कर बनाते हैं ताकि जो है ना ख़राब ना हो गर्मी में। फिर हम रात में इसलिए बना रहे हैं कि क्यों तो थोड़ा ठंडा करके खाते हैं हम लोग ना इसको। बाज़ लोग इसे पसंद करते हैं गर्म और बाज़ इसे ठंडा। इधर आमना भी जो है हेल्प कर रही है और इधर मैं भी आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाना है। तो यहाँ पर अभी आप क्या कर रहे हैं, और शीर खुरमा तो देखिए सभी बनाते हैं। अच्छा यहाँ इसमें सेवैयाँ वगैरह सब डाल चुके हैं, सेवैयाँ डली हुई हैं सिर्फ। ओके अब क्या होने वाला है, अब हम थोड़ा सा बादाम फ्राई करेंगे। बादाम फ्राई करके, अच्छा शीर खुरमे में हाँ डालते हैं ये, सही बात है। और क्या फ्राई होगा सर, तो यहाँ देखें आलमंड कट कर रहे हैं जिसे हम थोड़ा सा बटर में, अब आपके पास बटर नहीं है तो असली घी है तो असली घी में कर लीजिए क्योंकि शीर खुरमे का मज़ा ही इसमें आता है। तेल में करना चाहें तो कर सकते हैं, है ना। सो असली घी में मज़ा है तो आप हेल्प क्यों कर रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सब हस्बैंड्स को, और गुड हस्बैंड्स शुड हेल्प देयर वाइव्स, है ना। सबको हेल्प करनी चाहिए और चांद रात पे तो स्पेशली क्योंकि बहुत काम बढ़ जाता है या एनी टाइम, बट इन दिनों में तो आमना क्या कर रही हो, ये हेल्प कराने के बजाय यहाँ आलमंड्स खा रही है। चलिए मैं भी आपको दिखाऊंगी, देखिए हमारे पास यहाँ पर बनेगी जेली कस्टर्ड भी बनेगा, ये क्या कहते हैं पुडिंग वगैरह, हाँ दिस जेली एंड। और ये अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं क्या बनाऊंगी, वो इंग्रेडिएंट्स भी दिखाती हूँ आपको, इंग्रेडिएंट्स नहीं वो आइटम्स कि हम क्या बनाएंगे। और बादाम भी डाल दिए और साथ क्या किशमिशें ली हैं थोड़ी, तो क्या करना है इन्हें, गोल्डन चले इन्हें थोड़ा सा ये कर लेंगे फ्राई। गुड, तो दिस इज़ माई हस्बैंड और आप लोग इनसे मिल लिए हैं आज, ओ यस। और कल आपको इंशाल्लाह ताला ये दिखाएंगे अपने प्यारे से हम व्लॉग में कि ये आपके लिए और क्या प्यारा सा करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर देखें मैंने भी तैयारी शुरू करी हुई है, निकाल लिया है मैंने, यहाँ पर चिकन लिया हुआ है
और बोनलेस भी है। बोनलेस से बनाने वाली हूँ मैं कोई टिक्के या बिहारी बोटी, और चिकन की मैं बनाऊँगी वही ट्रेडिशनल बिरयानी। और एक बड़ी बिरयानी ही मुझे आप लोगों के साथ ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करनी थी, जो कि इंशाल्लाह ईद के सेकेंड डे या थर्ड डे मैं शेयर करूँगी। बना तो सब रहे होंगे बिरयानी, लेकिन मैं एक बड़ी मज़ेदार बिरयानी बनाने वाली हूँ। ये निकाल ली है मैंने बाहर, साथ धनिया पुदीना भी साफ़ करके रखा था यार अभी लेकर आई थी तो। और आमना तुम बताओगी कि अब तुम इसके बाद क्या करने वाली हो? मेहंदी लगवाने वाली है ये इसके बाद। यस, और मैं बनाऊंगी इनके हाथ पे जो भी प्यारी प्यारी सी मेहंदी। और ये देखें, ये यहाँ पर एंजॉय हो रहा है, ये देखें शीर खुरमा बन रहा है। तो यही देखिए चांद रात की कोई रौनकें होती हैं जो सब घर में एंजॉय कर रहे होते हैं। वीलॉग पसंद आए तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं और प्यारे प्यारे से जो है मेरे साथ व्यूवर्स को कनेक्ट रहना है। और ये देखिएगा ये वासे 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 चला गया है वापस, फिर आ गया है। अभी करवाऊँगी मैं घनी से कपड़े आयरन, और जो है उसके सिर्फ कपड़े हम लोगों के आयरन हुए हुए हैं। मेरे ड्रेसेस पसंद आए तो आपने ज़रूर शेयर करना है कि हाँ बताना है अपना कमेंट्स के थ्रू कि भाई बहुत अच्छे लगे और अल्लाह बरकत दे, आमीन। तो चलें दिखाती हूँ मैं कि आमना के मेहंदी कैसे लगाऊंगी। ये देखें शीर खुरमा में डाल दिए हैं और हमने बारीक बारीक ना खोपरा भी काट के डाला है इसमें, बस ज़बरदस्त। ये देखें यहाँ पर मेहंदी भी लगाई है मैंने आमना के, देखें ब्यूटीफुल डिज़ाइन। बड़ी ने बड़ी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर्स हैं दो तीन, उन लोगों ने बड़े प्यारे प्यारे मेहंदी के डिज़ाइन शेयर किए हैं, उनमें से मैंने कुछ लिए हैं। मैं अपने हाथ पे भी लगाऊंगी तो वो भी दिखाऊंगी आपको, अपने डिज़ाइन लगाते हुए तो नहीं दिखा सकूँगी। तो ये मैंने देखें अभी आमना के हाथ पर अप्लाई किया है, अभी उंगली कम्प्लीट कर रही हूँ मैं। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग हमारा पसंद आएगा। अच्छा, इसमें मैं एक क्लिप अपने जो है अभी मैंने आपको चांद रात के बाज़ार के रश की भी दिखाऊंगी, देखिएगा कितना रश हो रहा है बाज़ार में, उफ कोई जिसकी हद नहीं है। सब ना बाहर निकले हुए, सब लॉकडाउन लॉकडाउन तो गया तेल लेने, और जो है ना सब बाहर निकले हुए मज़े करने के लिए, खूब शॉपिंग हो रही है दबा के। तो खैर बहरहाल अब जो है ऐसा करते हैं अपने इस व्लॉग को जो है हम करते हैं एंड। और मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर शीर खुरमा भी रेडी कर लिया है जो कि ये जो है दिखा रहे हैं, और ये ख़ुद पीने में लग भी गए, थोड़ा सा चेकिंग भी हो रही है। तो चलें सब एक आवाज़ होके इन एडो मतलब सबको ईद मुबारक कह देते हैं, ईद मुबारक। और इंशाल्लाह कल ईद के व्लॉग के साथ हाजिर होंगे, तब तक फरिया बलोच को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।